अनन्या पांडे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है, जो आजकल अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने लव अफेयर को लेकर मशहूर रहती हैं। यूं तो अभिनेता आदित्य रॉय कपूर के साथ इनके अफेयर की रूमर्स पिछली दिवाली से ही ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए इनके स्पेन वेकेशन की तस्वीरों ने इन रूमर्स पर अपनी कन्फर्मेशन लगा दी है। इन दोनों को साथ में अब काफी ज्यादा स्पॉट किया जाता है। अनन्या और आदित्य को गोवा एयरपोर्ट के बाहर साथ में देखा गया था, हालांकि इन दोनों ने अभी भी कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी है। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें आते ही वायरल हो जाती हैं, और ऐसे में जब अनन्या के पिता चंकी पांडे से उनकी बेटी के लव अफेयर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने टेढ़ा जवाब देते हुए अनन्या को अभी भी सिंगल बताया। चंकी ने आगे बोला कि जब आप ऐसे प्रोफेशन में रहते हो और आप एक पब्लिक फिगर होते हो, तो ऐसी खबरें उड़ना साधारण और लाजमी है। जब चंकी से पूछा गया कि अनन्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा बेहतर लगती है, तो उन्होंने आदित्य रॉय कपूर का नाम ना लेते हुए टाइगर श्रॉफ का नाम बताया। साथ ही अनन्या के वर्क फ्रंट की बात चंकी पांडे ने करते हुए कहा कि उनकी अब तक की जर्नी काफी शानदार रही है। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से डेब्यू करने वाली अनन्या ने अब तक 6 फिल्में की हैं, जिसमें से 2 सुपरहिट रही हैं। इनकी लेटेस्ट रिलीज फिल्म ड्रीम गर्ल 2, जिसमें आयुष्मान खुराना को एक्टर है, बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा पैसा कमा रही है। साथ ही 3 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जिसमें से एक ODD का है, जिसका नाम है कॉल मी बे, जो अभी फिल्मिंग के प्रोसेस में है। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर ने साथ में रैम भी शेयर किया है, जिसमें उन दोनों को काफी पसंद किया गया था। वहीं अगर आदित्य रॉय कपूर के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो फिलहाल इनकी ODT डेब्यू सीरीज नाइट मैनेजर हॉटस्टार पे रिलीज हुई थी, जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। साथ ही लड़कियों में इनका काफी क्रेज बढ़ गया, इसके बाद से इन्हें आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों में देखा जा सकता है। अगर आदित्य रॉय कपूर की लव लाइफ की बात करें, तो कॉलेज के टाइम में इन्होंने हेमा मालिनी की बेटी अहाना देओल को भी डेट किया है। उसके बाद से इनका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ भी काफी ज्यादा जोड़ा गया। हालांकि दोनों ने कभी भी इस रिश्ते पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। फिल्म फितूर में साथ काम करने वाले आदित्य और कैटरीना ने भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक दूसरे को डेट किया है, जिसके तुरंत बाद से इन्हें श्रद्धा कपूर के साथ होने की खबरें मीडिया में आने लगी, जो काफी हद तक सच साबित हुई। दोनों ने एक साथ फिल्म आशिकी 2 में काम किया था। आदित्य का नाम अब अनन्या पांडे के साथ जोड़ा जा रहा है। अब यही देखना है कि आदित्य का 5 बार टूट चुका दिल इस बार अंजाम तक पहुंचता है। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सीरीज ऑन ओटीटी को फॉलो कर लो।